वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबों का पॉइंट 32 चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करेंगे लेसन प्लान। लेसन प्लान जो होता है, आपको पिछला क्लास में मैंने बताया था कि ये इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। जब वो क्लास लेता है, थ्योरी क्लास लेता है, तो उसके लिए उसको एक गाइड के रूप में काम करता है। तो हम लोग लेसन प्लान जो होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएँ क्या 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 है, वो पहले हम लोग देखते हैं। पाठ योजना मौखिक ना हो, लिखित रूप से होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये हम लोग इंस्ट्रक्टर के लिए एक गाइड का काम करता है। तो उसमें वो जो पढ़ाना होता है उसको, उसका पूरा डिटेल्स वो फॉर्मेट में तैयार करके लाता है। इसमें पाठ अधिक लंबी और छोटी नहीं होनी चाहिए। तो जो वो लेसन प्लान बनाया होता है वो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रम में सही व्याख्या होनी चाहिए। जो भी वो अपना लेसन प्लान में फॉर्मेट में तैयार करके लाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको पूरी तरह से देना होता है ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। नेक्स्ट है, पर्याप्त प्रश्न होना चाहिए। जब वो लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसमें क्वेश्चन भी उनको तैयार करना होता है ताकि वो अपने स्टूडेंट से क्या करें, क्वेश्चन पूछते रहें, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहें। इसलिए उनको पर्याप्त क्वेश्चन की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए भी उसको पहले से तैयार करना होता है। नेक्स्ट है, एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान, क्या क्या इसका एडवांटेज है देखते हैं। इंस्ट्रक्टर को उचित क्रम का पालन करने में सहायता होता है। उसको कैसे पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है ताकि वो उस टॉपिक पर बने रहे, उसके लिए ये लेसन प्लान उसको बहुत ही उपयोगी होता है। कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है लेसन प्लान में। क्या होता है कि जब वो बना के लाते हैं तो जिस टॉपिक को उनको बताना होता है उस टॉपिक में जो कुछ भी पॉइंट्स होते हैं सारा पॉइंट्स वो कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, टाइम मेंटेनेंस बाय इंस्ट्रक्टर। वो जो लेसन प्लान तैयार करके लाते हैं उस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए कितने टाइम होना चाहिए, सपोज दैट 20 मिनट हो या 40 मिनट, 30 मिनट, जो भी हो, उस टाइम के आधार पर वो अपना क्लास को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्टर टॉपिक में रहता है और उससे बाहर नहीं पढ़ाता है। आपको जैसे हमने बताया कि जिस टॉपिक में उसको पढ़ाना रहता है उस टॉपिक के बारे में वो अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है, डिसएडवांटेज, टेक मोर टाइम। लेसन प्लान तैयार करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये लाभकारी होता है। तो भले समय लगे लेकिन हमेशा इंस्ट्रक्टर को लेसन प्लान जो है प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर अपने व्यवसाय के नए विकास के अनुसार पाठ योजना में सुधार नहीं करता है। क्या होता है कि एक बार वो उन्होंने लेसन प्लान बना लिया तो उनका दिमाग भी ये होता है कि चलो इसको फिर हमको नेक्स्ट टाइम में भी जब भी स्टूडेंट आएंगे उनको इसी चीज से हमको पढ़ाना है, तो उनसे क्या होता है वो दूर भागता है, उसको पाठ योजना में निर्भर होने के कारण उसको रुचि नहीं लेता है। जब ये बन जाता है, उसके पास कंप्लीट रहता है इन्फॉर्मेशन, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, नहीं बनाता, उसी को फिर लेके जाएगा, फिर क्या करता है वो क्लास में उसी को बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैं लेसन प्लान हम लोग कैसे तैयार करेंगे या इंस्ट्रक्टर कैसे तैयार करता है। सबसे पहले कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे नेम, आपका नाम होगा, यूनिट 1 2 जो आपका चल रहा है उसको देना है, लेसन कौन सा है, लेसन नंबर 1 2 3 जो भी हो आपको देना है, ट्रेड, आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, किस ट्रेड को पढ़ाना है वो आपको लिखना है, डेट, किस डेट में आप पढ़ा रहे हैं, और टाइम, कितना टाइम आपको चाहिए उस लेसन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, ये आपको मेंशन करना होता है। अब आता है नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट में है वो प्रिपरेशन। उसमें देखिएगा टाइटल कॉलम होता है, जिस टॉपिक पर आप पढ़ाने के लिए जाते हैं उस टॉपिक को आपको यहाँ पर लिखना होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर मैंने लिखा है एग्जांपल के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एक पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या लीजिएगा, जैसे हमने लिया है यहाँ पर लिस्ट द पर्पस ऑफ एन इनसाइड माइक्रोमीटर, क्या उसका पर्पस होता है उसको हम लोग को लिस्ट करना होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हमको लिस्ट करना होता है। सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग, जब वो माइक्रोमीटर को हम लोग यूज करते हैं तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होता है वो भी हमको बताना होता है। अब क्या है यहाँ पर एड्स, एड्स में क्या है,
कि आप क्लास लेते हैं तो आप कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, डस्टर, सपोज दैट आप ब्लैक बोर्ड में क्लास ले रहे हो तो चौक, वो भी एड्स में आता है, आप प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं वो भी एड्स में आएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, इसमें रिव्यू एक है और एक मोटिवेशन, जो रिव्यू क्यों करना पड़ता है। जैसे आप पिछले क्लास में बताए रहेंगे कि वर्नियर कैलिपर के बारे में आपने बताया था, तो वर्नियर कैलिपर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस तरह से माइक्रोमीटर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके साथ उसको थोड़ा सा पहले जो क्लास में होता है उसके साथ थोड़ा सा उसको लिंक करना होता है, उसको बताना होता है, तो उसका फिर क्या होगा, मोटिवेशन होता है, वो खुद मोटिवेट होता है। अच्छा, उस समय हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज किए थे, वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, तो अब माइक्रोमीटर है, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको मोटिवेशन होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन में, क्लास में कैसे उसको बताएंगे। सबसे यहाँ पर देखिए, उसके बाद टॉपिक रहेगा, टॉपिक में इंफॉर्मेशन पॉइंट और स्पॉट हिंट्स रहता है, तो इसमें टॉपिक में आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 टॉपिक आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए माइक्रोमीटर है, तो इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको देना है कि क्या है माइक्रोमीटर, कहाँ यूज करते हैं, यूजेस क्या है। उसके बाद आप ले सकते हैं टाइप्स कितना होता है, उसके बाद आप ले सकते हैं स्पेसिफिकेशन, ले सकते हैं सेफ्टी आप लिए हैं तो आपको सेफ्टी भी बताना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है कि क्वेश्चन करना होता है, 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो आप पढ़ाए हैं उसी से आप क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे बोलिएगा इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज क्या है, आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ज्यादा नहीं, एप्लीकेशन में 1 या 2 क्वेश्चन कीजिएगा। समरी करना होता है, शुरू से लेकर के अंत तक जो भी आप बताए हैं उसको ब्रीफ में समरी करना होता है, फिर से बताना होता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट, जैसे लड़के लोग को आपने बताया माइक्रोमीटर क्या है, तो आप उसको घर का काम के लिए क्या दीजिएगा, बोलिए कि आप एक स्केच तैयार करके लाइएगा, चार्ट में इनसाइड माइक्रोमीटर का फिगर बना के लाइएगा और उसका पार्ट्स का नाम भी मेंशन होना चाहिए, तो आप वो असाइनमेंट में उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट लेसन, आप आज इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में उसको पढ़ाए तो नेक्स्ट लेसन आप क्या पढ़ाइएगा वो पहले ही उसको बताना होता है, आप उसको बता दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेफरेंस, आप जो उसको पढ़ा रहे हैं आपने कहां कहां से मटेरियल लिया है वो आपको बुक वगैरह नाम बताना है, सपोज दैट आपने निम्मी का बुक को पढ़ा था तो निम्मी रेफरेंस में आप उसको बोल सकते हैं कि आप डिटेल में निम्मी का बुक पढ़िए, वहां से आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगा। अब देखते हैं कि बोर्ड का यूज कैसे करना है, हाउ वी यूज द बोर्ड। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड का यूज हम लोग क्लास लेते समय कैसे करते हैं। सबसे पहले बोर्ड को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव्स होगा, ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये इसको बोलते हैं हम लोग रनिंग पार्ट, रनिंग पार्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग की पॉइंट या हिंट पॉइंट। इसमें क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आप 4 ऑब्जेक्टिव लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को आपको इस साइड में लिखना है, सपोज दैट इंट्रोडक्शन लिए, आप इंट्रोडक्शन यहां पर कीजिए, यदि आपको लिखना है कुछ तो यहां पर आपको लिखना है। की पॉइंट में क्या है, इंट्रोडक्शन मान लीजिए माइक्रोमीटर का आप इंट्रोडक्शन लिए तो कौन बनाया, यहां पर उसका नेम लिखिए, कब बनाया था ये भी लिख सकते हैं, ये सब की पॉइंट में आ जाएगा। जब आप पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को नहीं मिटाना है, रनिंग पार्ट्स को इसको मिटाइए और की पॉइंट जो लिखा हुआ है स्टूडेंट को बोलिए कि आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देना है। ऑब्जेक्टिव को इसलिए नहीं मिटाना है क्योंकि जब आप क्लास लास्ट होता है तो समरी करने में आपको ये लाभ होता है कि आप क्या क्या पढ़ाए थे और आपको कोई टॉपिक छूटे नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स को आपको लास्ट तक नहीं मिटाना है। रनिंग पार्ट में ऐसे जो है आपने पहला लाइन लिखा, दूसरा ऑब्जेक्टिव का लिख दिया, पहला लाइन को मिटा देना है क्योंकि स्टूडेंट फिर पहला लाइन को पढ़ेगा, दूसरा लाइन को भी पढ़ेगा, फिर इधर जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहेंगे आप उसका डिटेल्स उसको भी पढ़ेगा, तो थोड़ा फिर कंफ्यूज होता है, इधर उधर उसका ध्यान जाएगा,
इसलिए इसको क्या करना है आपको, रनिंग पार्ट्स को जैसे ये बता दिए उसको मिटा देना है। लास्ट में फिर क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका आपको समरी करना है। एक टॉपिक और है क्वेश्चन टेक्निक। जब आप क्लास लेते हैं तो क्वेश्चन आप कैसे राइज करते हैं उसको हम डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चन टेक्निक कैसे करते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्निक क्या होता है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। पर्पस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या होता है, हेल्प टू मेंटेन अटेंशन। जब क्लास आप लेते रहते हैं तो आपको ये मदद करता है, जो स्टूडेंट अटेंशन नहीं रहते हैं क्लास में, आपको ध्यान इधर उधर जाता है, उनका ध्यान फिर से क्लास में आ जाता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू थिंक, उनको सोचने के लिए आप मजबूर करते हैं। जब आप क्लास लेते हैं और कोई ध्यान नहीं देता, आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तुरंत सोचने पर सोचता है कि अरे इसका आंसर क्या होगा, हम तो भुला गए। तो इस तरह से उसको आपको क्लास लेने में ये मदद होता है। टू क्रिएट ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस, अब वैसे स्टूडेंट जिसे आपने क्वेश्चन किया और ट्रेनिंग ने सही आंसर दे दिया तो अंदर से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है कि हाँ चलो हमने अच्छा प्रयास किया, हमने आंसर सही दिया। नेक्स्ट है टू क्रिएट ट्रेनिंग एंड हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज, उसका नॉलेज कॉन्फिडेंस तो साथ में बढ़ता ही है, प्लस में उसका नॉलेज भी धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव कराता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन क्या क्या है, क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी, चैलेंजिंग। क्लियरिटी में क्या है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए कि उसको जवाब क्या देना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कॉलेज में क्वेश्चन में। सिंप्लिसिटी, सिंपल क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछना है। नेक्स्ट है चैलेंजिंग क्वेश्चन, इस तरह से पूछना है कि उसको लगे कि हाँ ये मतलब हमको आंसर देना चाहिए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप जब क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में तो उसका टेक्निक क्या यूज करना है आपको, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन उससे पूछना है, आस्क द क्वेश्चन, आप उससे क्वेश्चन पूछे, फिर क्या है थोड़ा सा रुक जाना है। सभी स्टूडेंट को एक बार देख लीजिए चारों तरफ कि कौन क्या कर रहा है, उसका एक्टिविटी देखिए, उसके बाद उसको कॉल बाय नेम, जिससे आपसे जिसको आपको सवाल पूछना है उसका नाम आप बोलिए और उनसे आंसर लेना आपको। उसके बाद क्या है लिसन, वो जो आंसर दे रहे हैं उसको सुनना है, सुनने के बाद रिसीव करना है कि वो गलत बोला कि सही बोला। देन रिपीट, यदि वो आंसर सही बोलते हैं तो आपको आंसर को क्या करना है, दो तीन बार और दोहराना है। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक्निक हो गया। क्वेश्चन यहां से कुछ इस तरह से पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फोर्थ स्टेप ऑफ क्वेश्चन टेक्निक, तो चौथा स्टेप क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर बोलेगा सेकेंड स्टेप क्या है, यहां से क्वेश्चन आपको एक पूछ सकता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर, लेक्चर पहला पॉइंट है हमारा लेक्चर मेथड। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को आप एक बार में पढ़ा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, आप करके उसको बताते हैं, ये भी एक मेथड है, आप जब करते हैं तो वो देखता है सीखता है तो उससे भी उसको जानकारी बढ़ती है। डिस्कशन, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो उससे भी क्या है वो भी एक मेथड है हमारा टीचिंग का। ट्यूटोरियल मेथड, व्यक्तिगत विधि, क्या है कि कोई लड़का को क्लास आप जब ले रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं उसको व्यक्तिगत रूप से भेंट करते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है बताओ, तो उस तरह से भी आप उसको समझा सकते हैं। मेन एंड डायरेक्टिव मेथड, इसमें क्या है यूजफुल टू टेक क्लास इन टाइम पीरियड, एक सीमित समय में आपको क्लास लेने के लिए क्लास आपको कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको एक टाइम सॉरी फॉर दिस मेन एंड डायरेक्टिव मेथड, इसमें क्या है कि यूजफुल टू टेक क्लास इन टाइम पीरियड, एक सीमित समय में उसको क्लास को लेने के लिए ये मदद करता है, वो डायरेक्ट उनके साथ बात करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी मिला आज, क्वेश्चन टेक्निक क्या है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वॉच करते रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में
आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।